विपक्षी एकता की बैठक में नेताओं के उदास और भयभीत चेहरे भविष्य की विफलता के संकेत दे रहे हैं। किस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण ही नीतीश कुमार द्वारा बैठक की कवायद की गई। परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों में प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम की किस तरह से दहशत थी। जो पाप करने जा रहे हैं, इस पाप का फल आप लोग भोगिएगा, आने वाला समय इसका हिसाब आपको देगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई, बैठक खत्म हो गई, कई नेता अपने अपने स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, मगर बिहार में अब सियासत और गर्म होती हुई नजर आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष यानी विजय कुमार सिन्हा का अब एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कह दिया है इस बैठक को लेकर कि विपक्षी नेताओं के भयभीत चेहरे आने वाले दिनों के संकेत को दर्शा रहे हैं। जी हां, विजय कुमार सिन्हा ने जमकर सीएम नीतीश कुमार पर और तमाम नेताओं पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों में मोदी के नाम की दहशत है, मोदी के नाम की दहशत उन भ्रष्टाचारियों में है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक में नेताओं के उदास और भयभीत चेहरे भविष्य की विफलता के संकेत दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण ही नीतीश कुमार द्वारा बैठक की कवायद की गई, और इस बैठक में किस तरह से लोग भयभीत थे। परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों में प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम की किस तरह से दहशत थी, उनकी जुबान से जो निकल रही थी वह दहशत का, वह भ्रष्टाचारियों के दिल के अंदर की पुकार थी। ये भ्रष्टाचारी लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर इस बार मोदी सरकार आ गई तो हमारी खैर नहीं। आज नेताओं के उदास भयभीत और उत्साह विहीन चेहरे पर यह बताने के लिए काफ़ी है कि विपक्षी एकता आकार लेने से पूर्व ही धराशायी होने वाला है। आज केजरीवाल, भागवत मान और स्टालिन तीनों मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति यह दर्शाता है कि शुरू होने से पहले एकता की हवा निकल गई। विपक्षी दलों नेताओं में विरोधाभास और एकजुटता का अभाव भी साफ दिखाई पड़ रहा था। उनके चेहरे पर न तो मुस्कुराहट थी, न ही उमंग था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण इस बैठक की कवायद की है। उनका मकसद इस जन्म में पूरा होने वाला नहीं है। उनका स्वार्थ महत्वाकांक्षा का शिकार बिहार की जनता बन रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो वर्ष 2022 में लाल किले से राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार के भाव को भारत मुक्त का जो नारा दिए थे, एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को जेल में जाने से बचाने के लिए ये विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक बैठक के लिए राज्य सरकार ने अपना जो खजाना खोल दिया था, महागठबंधन में शामिल सभी दलों को अपनी अपनी पार्टी के फंड से यह इंतजाम करना चाहिए था। राज्य सरकार इस बैठक में सरकारी खजाने से जो व्यय लोकधन का आंकड़ा सार्वजनिक करे और बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी की स्पष्ट बताए, हिसाब दे। राजद और जदयू का शीत युग अब सार्वजनिक होने वाला है। सरकार में सबसे बड़ा दल रहने के बावजूद राजद को कांग्रेस से कम आंका जा रहा है। नीतीश कुमार राजद को कई बार धोखा दे चुके हैं। सिर्फ विपक्षी नेताओं ने पटना पहुंचते हैं लालू प्रसाद के पास हाजिरी दी। सजायाफ्ता लालू जी ही देश के इन नेताओं के रोल मॉडल है। नीतीश कुमार को किसी नेता के द्वारा कोई भाव नहीं दिया गया। लालू जी की योजनाओं के द्वारा इन्हें संयोजक बनाने की बात हो रही है ताकि बिहार में ये गद्दी तेजस्वी यादव को सौंपा जा सके और नीतीश कुमार पलटू राम को फिर पाल्टी मारने का मौका नहीं मिल सके। आज बिहार के बर्बादी के बड़े नायक के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी, आपके स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से राजनीतिक अस्थिरता आई है, जिससे प्रशासनिक भ्रष्टाचार अराजकता फैला है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है और बिहार की बर्बादी में श्रीमान लालू प्रसाद यादव आपके बड़े भाई, उससे ज़्यादा बड़ा आपका योगदान और कहानी लिखी जाएगी। बिहार की जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को पूरा नहीं, आपको उसको
निपटाना निपटाने के चक्कर में जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को तार तार करने में जो लगे हैं वह कभी पूरा नहीं होने देगा। लोकनायक के सब अधूरे सपना को भाजपा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का जो संकल्प लिया है सारे बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता एकजुटता के साथ एक ईमानदार चरित्रवान राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और आप लोग जो पाप करने जा रहे हैं इस पाप का फल आप लोग भोगिएगा, आने वाला समय इसका हिसाब आपको देगा। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा को जिन्होंने के नेताओं को भ्रष्टाचारी बता दिया है, पहले भी विजय कुमार सिन्हा के द्वारा ऐसा कटाक्ष किया गया है, मगर अब जब बैठक खत्म हो चुकी है तो विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण ही नीतीश कुमार के द्वारा बैठक की कवायद की गई, परिवारवादी एवं भ्रष्टाचारियों में मोदी के नाम की दहशत है, बैठक में जितना भी खर्च हुआ है इसका हिसाब नीतीश कुमार दे, उसे सार्वजनिक किया जाए, ऐसा विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया है। बड़ा इसको हम सकते हैं, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।